प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज सुबह सुबह की मॉर्निंग हो रही है, सुबह के 6:30 से। तो दोस्तों आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज है वट सावित्री का व्रत और मेरी तो घर की पूजा पाठ हो गई है। अब मुझे प्रसाद तैयार करना है और जाना है मंदिर। और यह मेरी मेहंदी, और मेहंदी हल्की हो गई है इसलिए क्योंकि कल मेहंदी लगाने के बाद मुझे 2 फेशियल करने पड़े और आप थोड़ा मंदिर के बर्तन बर्तन धोए तो मेहंदी निकल गई। तो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग और बहुत प्यारा सा आप सभी का दिन रहे आज। और आज जो है वट सावित्री, जिसका वट सावित्री का व्रत है, उन सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी जो है मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं वट सावित्री में क्या क्या करती हूँ और क्या मंदिर में बना के लेके जाती हूँ वो भी, और क्या क्या मेरी तैयारी हो गई है। और अभी मुझे करना है चेंज, पहले बच्चों को उठाती हूँ क्योंकि मीठी को लेके जाऊँगी, क्योंकि मीठी वहाँ पे जो ब्लॉगिंग है वो करेगी, मतलब ब्लॉग शूट मीठी करेगी वहाँ पे, क्योंकि मैं तो पूजा पाठ करूँगी। स्टेला को हम छोड़ के जाएंगे। अक्षत तू चल रहा है बेटा मंदिर? ये भी चल, उठ भी फटाफट, उठ जाओ, तो टाइम नहीं है, पापा को ऑफिस जाना है। तो मैं करती हूँ मंदिर में मतलब प्रसाद बनाने की तैयारी करती हूँ। किचन वगैरह तो मैंने रात को ही सब साफ़ कर दी थी ताकि सुबह सुबह मुझे सब साफ़ सुथरा मिले और फटाफट हो जाए। तो अब मैं पहले प्रसाद बनाती हूँ और प्रसाद रेडी करती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाती हूँ, प्रसाद में क्या लेके जाती हूँ। और अभी जब तक मैं पूजा नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊँगी नहीं। अब तैयारी करते हैं फिर चलते हैं मंदिर सीधा। तो दोस्तों यहाँ जो है 4-5 लिया, तो इधर जो है मैंने पूरे मंदिर जाने की तैयारी कर दी है, प्रसाद वगैरह सब रेडी कर दिया है और प्रसाद बना भी दिया है और मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। और अब नीचे से मुझे लेना है पिछौड़ा और फिर हम निकलेंगे मंदिर को। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए, सारा सामान वगैरह सेट करके। मुझे लग रहा है मंदिर में भीड़ हो गई होगी क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गया निकलने में। तो अब जो है जाके हम फटाफट स्टार्ट करेंगे पूजा पाठ और फिर हम वहाँ दिखाते हैं आपको। तो साथ में मीठी और अक्षत भी आए हैं और आप सभी को मैंने फटाफट जल्दी उठा दिया। पिछली बार लोड है पाठ हो गई है बहुत अच्छे से। आप देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, पर मैंने जो अच्छे से पीछे बैठ के फिनान से, वहाँ पे किसी ने भी पूजा नहीं की थी तो वहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और हम लोग जाते हैं घर। सो गाइस अब पूजा हो चुकी है एंड मम्मा जा रही है, मतलब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के बाद यहाँ तक आ गई।
पूजा वूजा करके हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी जो है नीचे लोग लेने गए हमारी चप्पल, हम चप्पलें वहाँ उतार के दूसरी साइड से आ गए तो गाड़ी में हम इंतजार कर रहे हैं नीचे लोगों का। बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई। वैसे कथा ना कैसा लगा सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करके? बहुत बढ़िया, मगर लेट हुआ, 9 बज गया यार, खाना भी नहीं बना रखा। खाने का क्या होगा? तो दोस्तों आ गए हम मंदिर से, अब जाके दादी के पैर छू लेती हूँ पहले। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद बच्चों के लिए खाना वाना बना के अब पार्लर में आ गए क्लाइंट, तो मुझे करना है पार्लर में काम, तो काम हम करके आ रेस्ट करूँगी, अभी तो बहुत थकान हो गई। तो दोस्तों पार्लर से फ्री होने के बाद जो मैंने किया है थोड़ी देर का रेस्ट, क्योंकि मुझे इतनी थकान लग गई आज, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत वीकनेस सी हो गई थी धूप से, तो अब मैं बहुत थक गई थी, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। और यहाँ जो है मैंने ऑनलाइन स्टेला के लिए मंगवाया था एक बैग, ये देखिए, मतलब बैग अच्छा है, इसके पीठ में टांगने के लिए भी बेस्ट है, और जैसे कहीं घूमने गए तो इसमें इसका सामान वगैरह लेके जाएंगे। तो अब जो है मैं थोड़ी देर अंदर घर का खाना वाना शाम की तैयारियाँ करने के बाद फिर से जाऊँगी पार्लर में। तो दोस्तों गाइस आज मम्मी का फास्ट है, तो मेरा फास्ट है और इसके बाद मैं जाऊँगी। तो दोस्तों पहुँच चुकी हूँ मैं पार्लर, और पार्लर में जो है मैंने एक दो क्लाइंट की आईब्रोज वगैरह कर दी है, मुझे थोड़ा यहाँ सफाई करनी, क्योंकि यहाँ इतनी डस्ट आ गई है। और स्टेला ले रही है देखो कितने मजे से नींद, तो थोड़ा मैं यहाँ सफाई करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ बच्चों की लड़ाई ख़त्म नहीं होती, तो मैं पार्लर से फ्री होके 5 मिनट के ब्रेक में ऊपर आई हूँ ताकि कुछ खाना तैयार कर दूँ। तो इधर जो है मैंने आलू बॉयल कर रखे, इधर से एक सब्जी बना रही हूँ मैं चने की, और साथ में बनाऊँगी आलू टमाटर। तो अभी मैं फटाफट खाना बना के, अभी एक हेयर स्पा वाली क्लाइंट आने वाली है, इसलिए फटाफट पहले पार्लर घर का खाने का काम। और दादी का शुगर फ्री किचन में रखा होगा। दोस्तों पार्लर संभाल रहे हैं अभी दोनों बच्चे और मैं यहाँ बना रही हूँ खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू, आलू टमाटर, तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। कल मिलेंगे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं एक टूर पे, तो दोस्तों कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखें और आज के ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, गुड नाइट।